दोस्तों, इस दुनिया में जो भी पैदा होता है उसके पास कोई ना कोई अनोखा टैलेंट तो होता ही है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। जो अपने टैलेंट को पहचान लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के 5 ऐसे इंसानों के बारे में जिनके टैलेंट ने सभी को हैरान करके रख दिया, और आप इनके टैलेंट को देखने के बाद इसे मिलने की ज़रूर सोचोगे। नंबर 1, द आइसमैन। दोस्तों, अगर आप एक बर्फ़ का टुकड़ा यानी कि आइस क्यूब खाते हैं तो आपका पूरा मुंह ठंडा हो जाता होगा, पर अगर मैं आपको बर्फीले पानी में तैरने के लिए बोलूं तो क्या आप तैरोगे? कभी भी नहीं। लेकिन मिलिए इस व्यक्ति से, इसका नाम है विम हॉफ, जो कि नीदरलैंड का है। ये व्यक्ति किसी भी ठंडे पानी में तैरने से नहीं डरता है, क्योंकि इसके पास है एक स्पेशल टैलेंट। ये दुनिया की हर सबसे ठंडी जगह पर तैर कर आ चुका है, और इसके नाम काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। इन्होंने बर्फीले पानी में सबसे दूर तक स्विमिंग भी करी है, और इन्होंने जनवरी 26, 2008 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें यह इंसान इस बर्फ़ से भरे कंटेनर में 72 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 12 मिनट तक ये इंसान इस बर्फ़ से भरे कंटेनर में था। इनकी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसकी तो सांसें ही बंद हो जाती और तुरंत मर जाता, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट और ट्रेनिंग की मदद से इस रिकॉर्ड को काफ़ी आसानी से बना दिया। विम हॉफ का ये बोलना है कि ऐसा हर कोई कर सकता है, बस इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की और फोकस की ज़रूरत है। और आज विम हॉफ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे बर्फीले पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 2, फ्लेक्सिबल बॉय। दोस्तों, अब आप इस लड़के को देखिए, इसका नाम है जसप्रीत सिंह कालरा, जो कि इंडिया से है और ये लुधियाना का रहने वाला है। ये अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेता है कि देखने के बाद किसी को विश्वास ही नहीं हो पाता है। इसी की वजह से इसे इंडिया में मोस्ट फ्लेक्सिबल बॉय बोला जाता है। आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि कैसे ये लड़का अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से सबको हैरान कर देता है और लोग देखते ही रह जाते हैं। इसका जन्म 30 अगस्त 1999 को हुआ था, और आज ये रबड़ बॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब टैलेंट तो बचपन से ही होता है, पर मैं आपको बता दूं, इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी बनाने के लिए आपको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 3, पॉपिंग आइज। पॉपिंग आइज का मतलब होता है आंखों को हद से ज़्यादा बाहर निकाल देना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी आंखों को बाहर निकाल कर दिखाओ तो भाई आप लोग बोलोगे पागल है क्या, ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में कोई असंभव चीज़ नहीं है। अब आप इस बच्चे को ही देख लीजिए, ये बच्चा पाकिस्तान का है और इसे मैजिकल बॉय बोला जाता है। उसका कारण है इसकी आंखों का टैलेंट। इस बच्चे का नाम है मोहम्मद अहमद खान और ये लाहौर से है, लेकिन इसकी आंखों पर गौर कीजिए, ये अपनी आंखों को हद से ज़्यादा बाहर निकाल देता है। देखने वाले लोग तो ये बोलते हैं कि आखिर ये इंसान है या फिर कुछ और ही है। ये अपनी आंखों को एक एक करके बाहर निकाल सकता है और दोनों को साथ में भी बाहर निकाल देता है। जब ये दोनों आंखें बाहर निकाल देता है तो सभी लोग डर जाते हैं, और इस बच्चे ने ये भी बोला कि इसे अपने टैलेंट का पता तब चला था जब ये अपने बाल सेट कर रहा था, तभी उसके हाथ गलती से इसकी आंख पर जाकर लगे और उसकी आंख बाहर आ गई। तब से इस बच्चे को एहसास हुआ कि ये दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, और फिर इसी वजह से ये बच्चा अपनी आँखों के टैलेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। नंबर 4, वॉलनट क्रैकर। वॉलनट यानी कि अखरोट। अखरोट कितने मजबूत होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जिसे हम सभी लोग खाने के लिए हथौड़ी से तोड़ते हैं। लेकिन मिलिए इस इंसान से, यह भी पाकिस्तान का है और इसका नाम है मोहम्मद राशिद। दोस्तों, इसके सर की ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये अखरोट तोड़ सकता है, एक नहीं वो भी पूरे 256 अखरोट को ये तोड़ सकता है सिर्फ अपने सर की मदद से। और आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कितनी तेज़ी से ये अखरोट को तोड़ रहा है, और ये इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें इसने 256 अखरोट को अपने सिर की मदद से सिर्फ 1 मिनट में ही तोड़ दिया। नंबर 5, द अलेक्जेंडर। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी गर्दन और सर को 180 डिग्री एंगल से घुमा सकते हो, मतलब कि बिल्कुल पीछे की तरफ, तो सभी लोग मना कर देंगे। लेकिन जिसे अब आप देख रहे हैं, इसका नाम है अलेक्जेंडर, और ये इंसान अपनी एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से अपने सर को इस काबिल बना दिया है कि ये अपने सर को पूरे 180 डिग्री एंगल से पीछे की तरफ ले जाता है, जैसा कि कोई जोम्बी होता है।
डॉक्टर्स ने जब इनका चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी फ्लेक्सिबल गर्दन वाला इंसान नहीं देखा है और शायद ही कोई इतनी फ्लेक्सिबल गर्दन के साथ पैदा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो लॉग्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।